मॉनसून बारिश हम लोग एंजॉय तो बहुत करते हैं, लेकिन इस बारी थोड़ी ज्यादा हो रही है तो प्रॉब्लम्स तो बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन मॉनसून था तो मैं लेके आ गई हूँ हैक्स, और इस बारी मैं लेके आ गई हूँ मॉनसून स्पेशल स्कूल हैक्स, जिससे आपकी सारी जो बारिश से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना दूर हो जाएगी। तो चलिए एंजॉय करते हैं हैक, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब। तो पता नहीं था बारिश हो रही है, लेके क्यों गई थी अपना लेदर का बैग, बड़ा लेदर का है। ऐसे बैग तो बड़े सरोजनी में मिलते हैं 200-200 रुपए के। काम पे जाती हूँ मैं, आपकी तरह बैठ के पूरे दिन यूट्यूब ही देखती रहती, बैग लगता है मेरा काम पे जाने के लिए। ये बबली इसे ड्रायर से सुखा, तब तक मैं भी चेंज करके आती हूँ। कहाँ रहेगी बबली, बैग सुखा रही है कि लेके चली गई है? आ गई लेकिन हुआ क्या हुआ? वैसे बुआ मम्मी ना सही बोल रही थी, सरोजनी का ही माल होगा, तभी तू चटक गया। नहीं सरोजनी का नहीं है, 25,000 में खरीदा था मैंने। पता नहीं है, बाहर मानसून का सीजन है, बारिश है तो बीत के खराब ही होगा। अरे यार भाभी फिर इसके लिए करना क्या चाहिए, इतना तो बता दो। अरे नहीं नहीं हम तो दिन भर यूट्यूब देखते है ना, तो अब हम क्यों बताएं? अब इतने भी भाव मत खाओ ना, बता दो प्लीज। अगर अपने लेदर बैग्स और लेदर शूज या अदर लेदर प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है ना, तो बस इन बातों को फॉलो करो। अगर बरसात में आपका लेदर बैग भीग भी गया तो आप लोग क्या करेंगे, आएंगे और उसे ड्रायर की मदद से सुखाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके लेदर में क्रैक आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपना जो लेदर बैग है उसे कपड़े से पोंछ लें, और उसके बाद इसे नेचुरल वे में सूखने दें, या आप चाहे तो पंखा चलाकर भी इसे सूखने दें। तो इसके लिए आप बैग के अंदर सिलिका जेल या न्यूज़पेपर रख दें, ताकि जो सिलिका जेल है हमारा एक्सेसिव मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद इसको किसी भी क्लॉथ बैग के अंदर रखकर इसे कहीं ड्राई प्लेसेस में रख दें। और यही टेक्निक हमें अपने जूतों के साथ भी अपनानी है, क्योंकि लेदर शूज़ भी मानसून में ख़राब हो जाते हैं। तो इनके अंदर भी आप न्यूज़पेपर या सिलिका जेल के पाउचेस रखकर इन्हें ड्राई प्लेस में स्टोर कर दें। आज स्कूल कैंसल। ये फोन भी बेकार है, तेरा पहला फोन ना आखिरी फोन हो जाएगा। अरे याद है वो सस्ते वाले हम लोगों को ये जो मिल जाते हैं पाउच? हाँ, तो जब भी वो मॉनसून होती है ना तो मैं इसमें रख लेती हूँ अपना फोन। थोड़ी सी स्मार्ट है तू, अब चल। अरे क्या कर रही है, चल ना। अरे बेटा बबली आ गई स्कूल से, छाती को बाहर ही रखना बेटा, नहीं तो घर गीला हो जाएगा। छाता दिया था मुझे, मैं लेके गई थी सुबह छाता। रंग बिरंगा छाता नहीं है, कलरफुल वाला, वही तो सुबह लेके गई थी। मम्मी मुझे लगता है मैंने क्लास में भूल गई हूँ, और अब तो वो मिलने से रहा, आपने नया दिला देना, क्योंकि इतने सारे एक जैसे छाते होते हैं। ऐसे कैसे कोई ले जाएगा, मैंने ना तेरे छाते पे लेबल कर दिया और तेरा नाम लिख दिया है, और ना मिले ना तो मैंने अच्छे से कढ़ाई से तेरा नाम भी लिखा हुआ था। मैं ना अभी जाके लेकर आती हूँ अपना छाता। छाता किसका? मेरा है। सबूत है तेरे पास इसका? मैं क्यों दूं सबूत? तू दे सबूत, तेरा छाता है। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ चल ऊपर देख। ओह ऊपर क्या देख रही है, भगवान बाद में उठाएगा तुझे, पहले मैं उठाऊंगी छाता। छाते के ऊपर देख। छाते के ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर देख। BABIN LIA क्या हुआ बबली? खाता चोर, एक मिनट रुकते। जाएगा ये हैशटैग छाता चोर स्कूल के ग्रुप में। यार ऐसा मत करियो यार, मेरे दो तीन छाते चोरी हो चुके हैं, मुझे तेरा दिखा, मैंने ले लिया यार। चल छाता दे मेरा, छाता ले लेना सपना। यार मैं ले तो लूँ, या तो फिर खो जाते हैं, तो भूल जाते हैं स्कूल में, फिर मम्मी ज्ञान चिपकाती है। ज्ञान चिपकाने की जगह ना लेबल चिपका लिया कर, पता रहेगा तुझे कि तेरा छाता है। अच्छा मान ले, अगर तो तेरा नाम चिपक रहा है मैं उसे हटा देती, फिर क्या होता? ये देख, देखी कढ़ाई इसे कैसे हटाती।
अक्सर बरसातों में बच्चों के बैग गीले हो जाते हैं, अगर वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं तो अंदर की बुक्स भी ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में आप बच्चों के बैग में इस तरीके का पॉलिथीन रखें जिससे कि बारिश होने पर बच्चे बुक्स को पॉलिथीन के अंदर रख के बुक्स को सेफ कर लें। या तो कभी वो रिक्शा से आते हैं तो उन्हें बैग बाहर रखना होता है, तो इस तरीके की पॉलिथीन दे दें ताकि वो बैग को पॉलिथीन के अंदर डालकर अपनी बुक्स और बैग को प्रोटेक्ट कर लें। मॉनसून में एक सुपर फूड मिलता है जो कि होता है जामुन। जामुन कब से सुपर फूड होने लग गया मम्मी? मैं बता रही हूँ, आपके एक्सपेरिमेंट ना मेरे और अनंता के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं खाने वाली जामुन का। और मैं बता रही हूँ, तो नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाने वाली मम्मी जामुन का, मैं सुन रही। आप इसने सुना तो है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि जामुन के फायदे क्या क्या होते हैं। तो जामुन में होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो होता है विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर, और ये करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट। दूसरा, जामुन में होता है हाई फाइबर कंटेंट जो हमारी डाइजेशन को हेल्प करता है। अक्सर मॉनसून में हमारा स्टमक या तो अपसेट रहता है या ब्लोटेड रहता है या इनडाइजेशन के इश्यूज तो अक्सर रहते हैं, तो इसके लिए जामुन खाएं, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। और तीसरा, जामुन में होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल और इफेक्टिव होता है। तो बस इन्हीं सब फायदों के साथ बनाते हैं ये जामुन की स्मूदी। तो इसके लिए आप जामुन लें, जामुन को अच्छे से धो लें और इसके बाद इसकी गुठलियों को हमें अलग कर लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और इनकी गुठलियों को इस तरीके से अलग कर लिया है। इसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेना है ब्लेंडर जार और उसमें डालना है ये जो जामुन है उन्हें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बर्फ, अगर आपका गला सही है तभी बर्फ़ डालें, नहीं तो ऑप्शनल है। इसके बाद ये चीनी भी ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा मिठास चाहिए तो डालें। इसके बाद काला नमक और मिंट, ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो डालना ही डालना है। इसके बाद बस इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है ये हमारे जामुन स्मूदी का। अब आप इसे अच्छे से सर्व करें। अगर आपके यहाँ गेस्ट भी आ रहे हैं तो आप इस जामुन स्मूदी को एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाकर भी दे सकते हैं, और इसके कितने फ़ायदे हैं ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिए। और बबली, आप क्या विचार है इस जामुन स्मूदी के बारे में? आपके एक्सपेरिमेंट इतने ही बुरे नहीं है, अगर थोड़ा बहुत बचा होना तो रख देना, रात को पीऊंगी मैं। मॉनसून में ऐसे रोज का एक गुट्टी तो अपने खूब खाए होंगे जो फोड़ने में सीखते हैं, लेकिन इन्हीं को हम घर पे भी बना सकते हैं, कैसे ये जाने के घर चल सकते। तो इसके लिए मार्केट से लाना है आपको भुट्टे, क्योंकि सीजन भुट्टे हैं तो आपको जनरली अच्छे मिल ही जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको छिल लें, छिलने के बाद पूरा छिलका ना निकालें, इस तरीके से पकड़ लें क्योंकि ग्रिप बनाने के लिए इजी रहेगा। अब करना कुछ नहीं है, हमें गैस लेना है, आप चाहे तो इसमें स्टैंड भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से गैस में रख कर इसे रोटेट करते हुए भूनते जाएं। यहाँ पे गैस को लो मीडियम फ्लेम में ही रखें और देखेंगे आप जब आप इसे भून रहे होंगे तो इसमें आवाज भी आएगी क्योंकि हमारा भुट्टा अच्छे से भुन रहा है। इसके बाद करना कुछ नहीं है, नींबू लेना है और अच्छे से नमक मिर्ची का मसाला बनाकर इसे चारों तरफ से लगा देना है, जैसे हमारा मार्केट का भुट्टे वाला लगाता है। तो लीजिए, सिक गया आपका भुट्टा। और लग रहा है ना, हमने इसे अभी ताजा ताजा कोयले में सेका है, पर आपने तो देखा ही है हमने इसे किस में सेका है। सही है, एक बार कोयले थी ना, वापस दे दे। मॉनसून में होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक, और इससे होती है बहुत सी वाटर बॉर्न डिजीजेस, क्योंकि वेट ह्यूमिड कंडीशंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे कि ये बीमारियां होती हैं। अब इन 100 बात की एक बात ये है कि हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए हमें लेना है अपनी डाइट में विटामिन डी, क्योंकि सनलाइट से हमें ये विटामिन डी मिलता है और मॉनसून में सनलाइट हमें वैसे ही नहीं मिलती, तो खूब सारा सप्लीमेंट ले विटामिन डी का। विटामिन डी के साथ में हमें लेना है विटामिन सी जो हमें मिलती है इन सब चीजों से। और बहुत सा ह्यूमिड और मॉइस्चर होने की वजह से बहुत लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होते हैं और साथ ही साथ स्किन इन्फेक्शन भी होता है, तो इसके लिए हमें लेना है एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ ही में अपनी डाइट में काफी हेल्दी और न्यूट्रिशन बेस्ड फूड खाएं, अवॉइड करें बाहर का खाना जो स्ट्रीट फूड होता है। आई नो मॉनसून में आपको बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन इसको अवॉइड करें और खाएं घर का हेल्दी खाना।
तो ये थे मेरे मॉनसून हैक्स। आई होप ये हैक्स आपको पसंद आए हो, और इससे रिलेटेड और मॉनसून हैक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।